गया है गांव के वो जो सपना है नदी है, इसमें कोई पानी आता नहीं। पानी तो 20 साल से नहीं आ रहा इसमें, नहर में नहीं आ रहा 20 साल से नहीं आ रहा है। आखिर कहां के लोगों ने रोक के रखा है? अब लोग नहीं बता रहे, सरकारें रोक के रखा है। अब हर जगह सरकार तो पहुंचेगा नहीं ना, तो मुखिया है, विधायक है नहीं, यही सब है ना, विधायक है ना, वो लोग नहीं। नहर में हम लोग अब खेती करने का प्रबंध कर रहे हैं। तो इस गांव के जो भी विधायक है, मुखिया है, सुन ले, और अब देख रहे अपने हालत क्या है गांव का, और लोगों की बात सुन ले, थोड़ा तुम्हारा ही भला हो जाएगा, क्योंकि ऐसे से वोट वोट लेने से कुछ होगा नहीं, और काम जो सही वाला है वो करिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में होते रहे। भैया वहाँ पर डेली 5 लोग गिरता है, 5 लोग गिरता है डेली, 5 लोग का हाथ पर टूटता है, उसी के लिए हमारे गाँव में 1 महीने पर लड़ाई होता है, लड़ाई होता है। थाना में चलिए, जगदीशपुर दिखाते हैं, FIR पीछे मिलेगा। और कोई भी यहाँ का पुलिस वाला कुछ भी कुछ नहीं, नौली पर मुखिया दुखिया कुछ भरोसा नहीं, मतलब वो लोग ध्यान ही नहीं देता है, नहीं देता है ना? नहीं, आपको नल का पानी दिखाए ना, दिखाए भी आप। पूरा गांव में जंगल में नल का पानी, नल जल योजना नीतीश कुमार जो दिया आ गया है, लेकिन हमारे गांव में नल में पानी अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बताइए इतना जो 4 लाइन मेन अंदर 30 से 60 के हम लोग आए, कोई दूर तो नहीं है, वहीं पे उतना बड़ा रोड बन गया, पुल बन गया, लेकिन यहाँ पे नली छोड़िए, इसके उधर जाइए पूरा व्यवस्था देखिएगा टंच, लेकिन हमारे 500 घर है हम लोग है, लेकिन यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। अरे मुखिया आता है वोट दो, अब विधायक आता है कि वोट दो, अब बस काम खत्म। चलिए भैया, ये जो न्यूज है रात को 8 बजे आज हो जाएगा एडिट, तो ठीक है, और नहीं तो कल सुबह 8 बजे रिलीज होगा। नटखट न्यूज देसी लाइव पे आएगा, देसी न्यूज लाइव जो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो यहाँ के मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वहाँ तक पहुँचे। हम नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि सर आप समाधान यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यहाँ नहीं घूम रहे हैं ना। लो तो समाधान यात्रा तो रोड से भी गुजरना चाहिए ना उनको, नहीं वो टाइल लगी हुई रोड से गुजर, कहीं उनको छीटा ना पड़ जाए। हाँ मतलब है वो रोड से जाते हैं ना, आरा रोड में जाएंगे और वहाँ रोकेंगे 1 घंटा खाना खाएंगे। यात्रा को हम बोल रहे हैं कि सर आप एक बार थोड़ा इधर आइए, बीमो हरंगी पंचायत में आइए, अथवा ये रोड से समाधान यात्रा करिए। और बता दे आपके नीतीश कुमार मीडिया वालों को भी रोक के रखते हैं कि कोई उनका फोटो ना खींच ले। कोई बात नहीं, तमिलनाडु में हर एक वर्कर काम करके कह रहा है कि हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ क्या बोले भैया, छोड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जानकारी लेते हैं हम यहाँ के कुछ नौजवानों से, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे भैया? नहीं, वहाँ नले है ना, जब हम रास्ते से गुजरते हैं ना बहुत छीटा पड़ता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है, सुने चलने में बहुत दिक्कत होता है, रोड भी खराब है, यहाँ से चले जाएगा बीमार तो तक रोड बहुत खराब है। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आनंद के साथ में नटखट रोहित, देसी न्यूज लाइव। अभी तक आप लोग देख पा रहे थे, क्या कुछ हो सकता है आप कमेंट करके बताइएगा, और कुछ अपने जो नेता है, जो भी आपके मुखिया, उनसे यही अनुरोध है कि कृपया वो इस गांव के रोड को सुधारें, ताकि इन गांव के लोगों को थोड़ा भला हो और बच्चों का एक्सीडेंट ना हो। आए दिन इसके कारण बहुत सारी घटनाएं और लड़ाई मारपीट भी होता रहता है, कि कोई किसी का गाड़ी ठोक दिया, किसी का कुछ हो गया, तो ये ना होगा। जय हिंद, जय भारत। 2-4